हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका, जिसका नाम है चार्ट का ज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का सेशन होने वाला है पार्ट 2। मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा अपना, यहाँ पे एक पार्ट 1 का मैंने वीडियो यहाँ पे बना दिया है, जो कि अपना यहाँ पे बेसिक टू एडवांस यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे तो आप लोग को सब कुछ दिखेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे भी वीडियो शेयर कर दिया है, तो जो लोग भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो प्लीज़ जाके मेरा मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो आप लोग को यहीं पे मिलेगा। बेसिक टू एडवांस वीडियो आप लोग को सारा कुछ यहीं पे मिलेगा। और जो लोग भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग सब कुछ यहाँ पे समझ पाइएगा कि पैटर्न कैसे काम कर रहा है, कैंडल स्टिक कैसे काम कर रहा है, तो ही आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अभी आप लोग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेरी आ रहा था कि सर बेसिक से सर मुझे बताओ। तो मैं बेसिक से आप लोगों के लिए यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है कैंडल स्टिक बुलिस एंड बियरिस। कैंडल स्टिक में सबसे अपना फर्स्ट स्टेज आता है कि कौन सा बुल कैंडल है, कौन सा बियरिस कैंडल है। पार्ट 1 वाले में भी मैं बताया था, थोड़ा मैं बुलिस और बियरिस का यहाँ पे थोड़ा आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अपना टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, है ना, कितने तरह का कैंडल स्टिक का पैटर्न यहाँ पे होगा, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मेनली हम लोग इसी पे ज़्यादातर फोकस करेंगे, चार्ट पे देखेंगे, है ना, और एक अपना ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर यहाँ पे बनाएंगे। चार्ट पे कैसे ये सब कैंडल इम्प्लीमेंट होगा, है ना, तो आगे वो सब बात करेंगे। अभी अपना यहाँ पे बेसिक चल रहा है, पार्ट 2 अपना यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल है, बुलिस मारुबुजु कैंडल स्टिक, ठीक है। बुलिस मारुबुजु कैंडल स्टिक कैसा क्या रहेगा मैं आप लोग को अभी यहाँ पे सारे स्लाइड पे आप लोग को मैं दिखाऊंगा। और ये है अपना बियरिस मारुबुजु कैंडल स्टिक कि ये किस टाइप का कैंडल होता है और क्या क्या इसमें देखना रहता है ना। तो आप लोग का आज का टॉपिक ये सारा कुछ रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, है ना, और आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस बात को थोड़ा समझिए, थोड़ा आप लोग को यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तभी आप लोग चार्ट पे एडवांस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं अगर आप लोगों को डायरेक्टली कुछ अगर बताऊंगा तो आपके दिमाग से वो थोड़ा पार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के कहने पे मैंने सारा यहाँ पे कंप्लीट कैंडल स्टिक का मैं कोर्स बना रहा हूँ। ये अपना जब ओवर हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप हम लोग चलेंगे, एक एक कैंडल का सिनेरियो देखेंगे कि चार्ट पे कैसे काम करता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए बुलिस एंड बियरिस कैंडल को यहाँ पे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न ये देखेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, बुलिस मारुबुजु कैंडल स्टिक देखेंगे और बियरिस मारुबुजु कैंडल देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा आप लोगों को मैं रिवीजन ऐसे करवाया था। तो फर्स्ट वाला अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट वाला अगर आप लोग टॉपिक देखेंगे तो कैंडल स्टिक बुलिस एंड बियरिस, तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको लोगों को यहाँ पे रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ। तो देखिए ये स्लाइड, ये फोटो आप लोग देख सकते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न, सब कुछ यहाँ पे कैंडल का गेम है। अगर आप लोगों को कैंडल पे अगर आप लोगों को एक बार कमांड हो गया, अगर उसका आप लोग को बेहतर
बेहतर तरीके से अगर आप लोग कमांड इस पे कर लिए, इसका हाई, इसका ओपन, इसका क्लोज, है ना, ये सब अगर कमांड इस पे कर लिए, इस कैंडल का कमांड कर लिए, तो समझो कि आप लोग पैसा आराम से यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक यहाँ पे टाइम के साथ साथ यहाँ पे आपको उसके प्राइस का यहाँ पे बताएगा कि किस टाइम पे कितना उसका प्राइस चल रहा है, है ना, हर टाइम फ्रेम पे आप लोग इतना जानते होंगे। तो ये है अपना इंक्रीजिंग बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल अपना यहाँ पे ग्रीन में रहेगा, है ना, इसका ओपन आपको नीचे यहाँ पे अपना ओपन होगा और यहाँ पे इसका लो लगेगा और यहाँ पे अपना क्लोज है और ये अपना हाई है। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि इसका ओपन प्राइस यहाँ पे 100 रुपया है, अगर मान लीजिए कि इसका लो लगा है यहाँ पे 90 रुपया लो लगा है और ये क्लोज यहाँ पे कर दिया 90 रुपया, समझ रहे ना, यहाँ पे 90 रुपया पे क्लोज कर दिया, हाई लगाया यहाँ पे 110 रुपया, तो जो भी ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेक्स्ट वाला कैंडल क्या 90 रुपया से ऊपर है, अगर 90 रुपया से अगर वो ऊपर रहेगा तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा। सेम सिनेरियो अपना यहाँ पे रेड कैंडल देख सकते हैं जो कि डिक्रीजिंग यहाँ पे बियरिश कैंडल है, रेड है यहाँ पे तो ये एक बियर कैंडल हो गया, है ना, तो बियर कैंडल है, तो जो भी इसका क्लोज होगा, मान लीजिए कि इसका अगर सेम यहाँ पे ये ओपन होता है और यहाँ पे ये क्लोज होता है और क्लोज के नीचे यहाँ पे इसका लो लगता है और यहाँ पे सबसे अपर साइड में इसका यहाँ पे हाई लगता है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैंडल का ये जो डंटा जो निकला हुआ है ना, तो ये क्या है, ये है इसका विक, ये है अपना इसका विक। इसमें आप लोगों को सिंपली आप इतना समझो कि मेन हम लोग का ये बॉडी है, कैंडल का मेन बॉडी है और अपना एक हाई लगता है, एक अपना लो लगता है, ओपन और क्लोज, इतना ही आप लोगों को समझना है। डिक्रीजिंग बियरिश कैंडल है यहाँ पे, तो जो भी इसका क्लोज, जो भी इसका वैल्यू रहेगा, तो इस प्राइस से अगर डाउन रहेगा तो वो भी बियर कैंडल बनेगा, वो भी रेड कैंडल में बनेगा। अगर इसका 100 रुपया पे क्लोजिंग है और मान लीजिए कि नेक्स्ट वाला कैंडल 110 रुपया पे क्लोज हुआ तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा। सेम सिनेरियो अपना यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो अगर मान लीजिए कि इसका क्लोजिंग अगर 90 है और इसके अगर नीचे, अगर 90 से अगर नीचे क्लोज करेगा तो वो रेड कैंडल बनेगा, अगर क्लोजिंग से अगर ऊपर बनेगा, उसके वैल्यू से अगर प्लस में रहेगा तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा। इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ कैंडल और डिक्रीजिंग घटता हुआ, डिक्रीजिंग रेड कैंडल और बुलिश अपसाइड, है ना, ऊपर जाने वाला कैंडल, बस ठीक है। ये सारा आपका पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, हो गया होगा, अगर कोई भी दिक्कत आप लोग को होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसे बेहतर से बेहतर अच्छा, है ना, बता पाऊँ आप लोगों को यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे अपना ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैंडलस्टिक बुलिश और बियरिश कैंडल अभी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, कितने तरह का पैटर्न होता है, कितने तरह का कैंडलस्टिक होता है। तो पहला अपना यहाँ पे आ रहा है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आज हम लोग कवर करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को, है ना, तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे, है ना। तो चलिए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे मैं लगाता हूँ, चलिए सिंगल स्टिक कैंडल का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड में, है ना, पार्ट टू वाले में आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दोस्तों ये पूरा जो 7 मैंने आप लोगों को जो कैंडल स्टिक का यहाँ पे नाम दिया है, ये पूरे ट्रेडिंग में आप लोगों को काम करना है। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो ये 7 कैंडल को देख के मार्केट का बिहेवियर पे काम करेंगे, उसके साइकोलॉजी पे काम करेंगे और अपने माइंडसेट पे काम करेंगे कि आप लोग चार्ट पे इस चीज़ को कितना यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, तभी आप लोग को यहाँ पे समझ आएगा कि हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करना है। तो
आज एकदम वीडियो एकदम छोटा रखेंगे, सिंप्लिसिटी रखेंगे और बहुत ही अच्छा रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं स्पीड से अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वो आपके दिमाग से थोड़ा पार होने लगेगा। तो ये अपना बेसिक है। अगर बेसिक बेसिक टू एडवांस अगर कैंडल स्टिक का अगर आप लोग का कंप्लीट यहाँ पे हो गया तो आने वाले टाइम पे आप लोग को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलिए आज मैं बात कर लेता हूँ बुलिस मारुबुजु के बारे में और एक बियरिस मारुबुजु के बारे में, क्योंकि ये दोनों कैंडल अगर आप लोग जान गए तो आप लोग को बहुत यहाँ पे हेल्प होगा चार्ट में। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग यहाँ पे सब कोई कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आ रहा है कॉल पुट कर रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे सीख के आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि आप लोग सीख के आ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो हर बंदा कर रहा है, सब कोई कर रहा है ना, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जो जो कैंडल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो कि मैंने लिखा है, तो इस कैंडल पे आपको साइकोलॉजी बनाना पड़ेगा। एकदम से साइकोलॉजी बनाइएगा तभी आपका यहाँ पे सक्सेस रेट यहाँ पे बनेगा। मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर आपके पास 40 से 50 60% वाला भी अगर आपके पास सेटअप है ना, और ये सब देखने का नज़रिया आपको पता है ना, ये सब का बिहेवियर, इस कैंडल का बिहेवियर क्या होता है ना, तो आप लोग यहाँ पे इजिली पैसा बना सकते हैं, है ना। तो चलिए बुलिस मारुबुजु और बियरिस मारुबुजु का हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड हम लेके यहाँ पे आते हैं अपना। चलिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ। चलिए ये, चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक, चलिए ये वाले स्लाइड से पहले ये वाला आप लोग देख लीजिए, ये फिर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ये है मारुबुजु कैंडल, सेम सिनेरियो, बुलिस में यहाँ पे आपको ग्रीन रहेगा, है ना, और रेड में यहाँ पे बियरिस रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं मारुबुजु कैंडल का। देखिए मारुबुजु इज अ जापानीज वर्ड फॉर अ डोमिनेंस, तो जापानीज लोग का यहाँ पे था आदान प्रदान, मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को बताया था। दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल, ये वाला जो कैंडल है मारुबुजु जो कैंडल है, ये एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल वाला कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं चली दिखा देता हूँ मारुबुजु कैंडल में क्या आप लोग जहाँ पे ये बनेगा, तो इस कैंडल का स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त रहता है। स्ट्रेंथ ये कैंडल अगर चार्ट पे अगर बन गया ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। मान लीजिए कि ये ग्रीन में बन गया, है ना, किस जगह पे बना है ये इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन अभी मैं उस चीज का बात नहीं करूंगा। सिर्फ आप मारुबुजु कैंडल को समझिए। मान लीजिए कि ये ग्रीन है मारुबुजु और ये अपना एक रेड है ना, सेम अपना रहेगा, और इसमें मारुबुजु में इस तरह का विक नहीं रहेगा, सिर्फ ये बॉडी रहेगा, है ना, बॉडी रहेगा, अभी आप समझो इसका बॉडी रहेगा, और हो सकता है कि आपको छोटा मोटा आपको वीक यहाँ पे नज़र आ जाएगा, है ना, छोटा हो सकता है कि वीक आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग कैंडल स्टिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कोई भी बुक देखिएगा ना, तो आपको मारुबुजु कैंडल ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ इसका बॉडी दिखेगा, इसका कोई शैडो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, कोई यहाँ पे इस टाइप का वीक यहाँ पे नहीं रहेगा, है ना, सिर्फ बॉडी रहेगा। तो ये ग्रीन है, सेम सिनेरियो मारुबुजु, यहाँ पे रेड है, अगर ये रेड है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से ओपन होगा, है ना, यहाँ से ओपन होगा और ये क्लोज है, और ये अपना ओपन है, है ना, और ये अपना क्लोज है, बस सेम सिनेरियो। और एक चीज, मारुबुजु कैंडल में क्या होगा आप लोग को मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए कि ये वाला जो रेड कैंडल है ना, तो ये तो बियरिस कैंडल हो गया। मारुबुजु, मैं बुलिस और बियरिस के बारे में बता रहा हूँ, मारुबुजु तो ये रेड है, तो ये अपना हो गया बियरिस मारुबुजु। तो यहाँ पे इसका ओपन,
है ना, अच्छे से देखिएगा, यहीं पे गेम है। इस कैंडल को समझ गए ना तो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, बैंक निफ्टी में पैसा बना सकते हैं। ओपन इज इक्वल टू हाई, जो मैंने अभी आप लोग को बोला कि इसका कोई भी शैडो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसका दोनों बराबर रहेगा, है ना, सेम बराबर रहेगा। सेम यहाँ पे क्लोज इज इक्वल टू लो, है ना, क्लोज इज इक्वल टू लो, तो यहाँ पे सेम, क्योंकि विक नहीं है तो इसका लो भी यही होगा और क्लोज भी यही होगा। सेम सिनेरियो में ओपन और यहाँ पे हाई सेम होगा। सेम अगर ग्रीन है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई, है ना, क्लोज इज इक्वल टू हाई। यहाँ पे अपना ओपन है तो यहीं पे इसका लो है, है ना, यहाँ पे इसका क्लोज है तो यहाँ पे इसका हाई है, क्योंकि इसमें डंटा नहीं है, इसमें इस टाइप का इस जो कैंडल है तो इस टाइप का इसका विक नहीं है, शैडो नहीं है, है ना, सिर्फ ये बॉडी है। तो आप लोग का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर, मारुबुजू कैंडल का, बियरिस कैंडल और बियरिस मारुबुजू और अपना यहाँ पे है ना बुल मारुबुजू, है ना, बुलिस मारुबुजू, बुल भी बोल सकते हैं, बियर भी शॉर्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका है ना कि दिस इज अ एक्सट्रीम बुलिस कैंडल, है ना, इट इंडिकेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिसनेस। अगर यहाँ पे बुलिस कैंडल है तो इसका स्ट्रेंथ जो कि मैंने बहुत हाई रहता है, बहुत पावरफुल रहता है, जो कि अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया है, तो देख लीजिए, दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल, दे हैव अ लॉन्ग बॉडी विथ अ स्मॉल और नो शैडो। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि हो सकता है कि स्मॉल यहाँ पे शैडो होगा या तो उसका नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हेन अ ग्रीन मारुबुजू कैंडल इज फॉर्मड इट मींस द स्टॉक ओपन एट अ सर्टेन लेवल एंड केप्ट राइजिंग विदाउट फॉलिंग डाउन। अगर ग्रीन मारुबुजू अगर बन गया तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि अब यहाँ से मार्केट दम राइज कर सकता है, है ना, फॉल करने का बहुत ही कम चांसेस रहेगा, है ना। सिमिलरली सेम चीज है कि अ रेड मारुबुजू इज फॉर्म्ड व्हेन द प्राइस ओपन एट अ सर्टेन पॉइंट्स एंड कीप्स फॉलिंग, है ना, सेम सिनेरियो अपना ये है। कैन बी ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूअस कैंडल, अ मारुबुजू विथ अ हायर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा यहाँ पे हाई रहेगा, है ना, हायर वॉल्यूम इज मोर पावरफुल, है ना। तो चलिए, आपका यहाँ पे बेसिक कंप्लीट मारुबुजू कैंडल मैं आप लोग को अभी चार्ट पे लेके जाता हूँ और आप लोगों को मैं चार्ट पे दिखाता हूं कि यहां पे ट्रेंड के साथ ये कैसे काम करता है आने वाले टाइम पे। और मैं जैसे जैसे इसका पार्ट अपना चलेगा कैंडल स्टिक का, वो मैं चार्ट पे धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। अभी एकदम से ये सब आप नॉलेज रखो, क्योंकि ये सब ही नॉलेज आपके दिमाग में जाएगा और बैठ जाएगा, जब आप लोग चार्ट देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर ये सब का आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो इसे मैं बिग बार कैंडल भी बोलता हूँ। आने वाले टाइम में मैं इस पर एक स्ट्रैटेजी भी दूंगा, कितना पॉइंट्स का ये रहेगा, क्या रहेगा। तो आप लोग का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है इसका, मारुबुजू का ओपन क्लोज हाई लो, इसका क्या सिनेरियो है। मैं अभी आप लोग को यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, है ना। तो चलिए, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना स्लाइड यहाँ पे लगाता हूँ, अगर कुछ यहाँ पे बचा होगा तो, है ना। अब देखिए, बुलिस मारुबुजू को मैं आप लोग को चार्ट पे थोड़ा दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, बुलिस मारुबुजू कैंडल को। तो देखिए, मारुबुजू कैंडल यहाँ पे इसका देखिए छोटा एक शैडो है, मार्केट का देखिए स्ट्रेंथ आप लोग को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और नीचे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो एक अच्छा वॉल्यूम आया है, और है ना आया है वॉल्यूम, तो यहाँ पे आराम से इजली इस पे ट्रेड आराम से आप लोग ले सकते हैं। कैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या एंट्री रहेगा, वो सब मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे देखिए,
अगर थोड़ा कंसेप्ट चाहिए तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, व्हेन द कैंडल आफ्टर द मारोबुजू ओपन इन अ ग्रीन, ठीक है, इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव अप ट्रेंड। अगर ये बन गया अगर सपोर्ट पे तो कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। यू कैन टेक अ बाय पोजीशन, आप लोग आराम से बाय का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। द बॉटम प्राइस ऑफ द मारोबुजू कैंडल इज द स्टॉप लॉस, है ना, इसका बॉटम, इसका जो दो नंबर पे है आराम से इसका यहाँ पे आप लोग ऐसे लगा के और इस पे वन पे आप लोग आराम से एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। प्राइस गोज बिलो दिस आफ्टर यू कैन टेक द ट्रेड, है ना, सेल और एग्जिट। अगर इसके नीचे अगर आया तो आप लोग आराम से सेल कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं अपना पोजीशन। थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चेक आउट द वॉल्यूम ऑन द डे द मारोबुजू हैज बीन फॉर्मड, इट्स अ सिग्निफिकेंटली हायर देन द अदर डे, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अगर यहाँ पे अगर आप तीन नंबर पे देखोगे वॉल्यूम एनालिसिस, जो लोग वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि तीन नंबर पे इसके बगल में इसका वॉल्यूम का स्ट्रेंथ देखिए रेड है, तो काफी छोटा है। उसके नेक्स्ट डे में जब अपना मारोबुजू बना तो एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कैंडल यहाँ पे बना है, जो कि आप लोगों को देखने में आराम से यहाँ पे लग रहा है और ये सपोर्ट पे काम करता है। सब कैसे क्या चार्ट पे काम करेगा, और अभी आप लोगों को बस चार्ट पे ये दिख रहा है मुझे कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट यहाँ पे हुआ है और एक बुलिश मारोबुजू कैंडल बना है और उसके हाई पे अपना एंट्री लेके यहाँ से हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक एक जनरेट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ जा रहा है तो हम लोग को कैसे ट्रेल करना है, क्या करना रहेगा, वो सब मैं आगे वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो आज मैं बस बुलिश मारोबुजू और बियरिश मारोबुजू के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बियरिश मारोबुजू का मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं, है ना। देखिए ये अपना बियरिश मारोबुजू, ये डाउन ट्रेंड में है, है ना। बियरिश मारोबुजू सिग्निफाइंग द कंटिन्यूअस ऑफ द बियरिश ट्रेंड, ये बियरिश ट्रेंड में है आफ्टर द शॉर्ट टर्म रिवर्सल। देखिए यहाँ पे एक बना डाउन ट्रेंड में था सिनेरियो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया मार्केट, एक हाई लगाया और देखिए एक यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे सॉरी बियरिश, यहाँ पे एक अपना यहाँ पे मारोबुजू कैंडल बना जिसमें कोई भी वीक नहीं है। तो सेम सिनेरियो, इसका हाई आराम से आप ऐसे लेके और यहाँ पे आराम से एंट्री बना के एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो आज का दोस्तों यहाँ पे क्लियर सारा कंसेप्ट आप लोग का यहाँ पे हो गया होगा, है ना। तो आज अपना कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ, आज अपना कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला बुलिश मारोबुजू और बियरिश मारोबुजू। चार्ट पे भी मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को बता दिया हूँ। नेक्स्ट आप लोग का नीचे वाला कैंडल रहेगा विथ एग्जांपल चार्ट के साथ रहेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों जो लोग भी मेरे टेलीग्राम पे ऐड नहीं हुए तो फॉलो मी हेयर के पास से ही टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, है ना, यहीं से आप लोग यहां पे कनेक्ट होइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।